हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450। आज हम लोग देखेंगे इंडिया ग्रीस रिलेशन, और ये हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ग्रीस की विजिट पर गए हुए हैं। ओके, तो वैसे देखिए ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ग्रीस का, लेकिन ये जिस रीजन में लोकेट करता है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कल का हमारा वीकली प्रिलिम्स एक्स्ट्रा सुना होगा तो उसमें मैंने आपको मेडिटेरेनियन सी और यहाँ की सभी लोकेशन अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ऑलराइट, तो एक बार और क्विकली देख लेते हैं। ये है लोकेशन ग्रीस की, ठीक है। एक तरफ है आयोनियन सी, दूसरी तरफ है एजियन सी, ठीक है। तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। यहां पर एक कंट्री है साइप्रस नाम की, दिस आइलैंड कंट्री, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। ओके, और दूसरा है यहां पर टर्की, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। और ऊपर है आपका रशिया, जो अभी मैं आपको आगे मैप पे दिखाऊंगा कि टर्की रशिया के बीच में क्या प्रॉब्लम है। आप याद रखेंगे ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, दिस वन इज सी ऑफ मरमरा, और यहीं से पास होती है डार्डेनल स्ट्रेट। कि ये हम कल के लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं। तो पहले हम ग्रीस के साथ हमारे क्या रिलेशन हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रीस हमारे लिए, पहले उसको देख लेते हैं। लेक्चर थोड़े लेंदी हो रहे थे, जिससे आप में से कुछ बच्चों को कंप्लेंट थी, तो फिर मैंने इसको पहले से ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए रिटर्न लेकर आया हूँ, ठीक है। ताकि जब मैं हाथ से लिखता हूँ तो फिर वो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है, जो कि आप में से कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। तो चलिए इंट्रोडक्शन। पहले प्रधानमंत्री ब्रिक्स जोहानिसबर्ग के समिट को अटेंड करने के बाद सीधे ग्रीस गए थे, और ये पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इन 40 ईयर्स सिंस इंदिरा गांधी विजिटेड देयर इन 1983। तो ये दिखाता है कि ग्रीस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था अब तक, बट अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो हमें जानना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आउटकम्स क्या निकल कर आए। ओके, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कि उस जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं मीटिंग के बाद, ओके, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसमें से क्या आउटकम निकले, और दूसरा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इस कंट्री के साथ हमारे सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, इसकी रिलेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला आउटकम है दैट वी हैव डिसाइडेड टू एलिवेट द रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक लेवल। ओके, हम अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल पर एनहांस करेंगे। नेक्स्ट इज बोथ कंट्री शेयर द विजन फॉर फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड। देखिए ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो हम फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड की ही बात करते हैं। तो ये चीज दोनों पे अप्लाई होती है, इंडो पैसिफिक रीजन पे तो आप न्यूज में हमेशा सुनते रहते हैं। दूसरा है मेडिटेरेनियन सी के लिए भी एज पर द प्रोविजन ऑफ यूएन क्लॉज, ओके, लॉ ऑफ सी, जो आपने शायद पढ़ा होगा पहले। यूएन क्लॉज का भी अलग से देख लेंगे बाद में, उसमें इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ये सब उसके प्रोविजन में आता है, वो सब हम बाद में अलग से देखेंगे। पहले आपको याद रखना है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी क्यों रूल बेस की बात करें, क्योंकि देखिए यहां पर भी काफी सारी कंट्रीज के कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं। जैसे सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को लेके स्पेन और यहाँ पर जो यूके इसको कंट्रोल करता है, इन दोनों के बीच प्रॉब्लम चलती रहती है। तो यहाँ पर जो जिब्राल्टर सिटी थी उसमें एक बार प्लेबिसाइट भी करवाया गया था, क्योंकि स्पेन ने कहा था कि अब हम इसे फोर्सफुली अनेक्स कर लेंगे, बट वहाँ के लोगों ने प्लेबिसाइट में वोट किया कि हमें यूके के साथ ही रहना है। ओके, यहाँ पर एक तो ये जरूरी हो जाता है। दूसरा कि यहाँ पर टर्की देश टर्की और ग्रीस में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन आ चुकी थी पहले 94 के अराउंड, रशिया ने फिर यहाँ पर पीस डील ब्रोकर की थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी टर्की हो चाहे कोई और हो, ये अपना डोमिनेंस ना बनाए इसके लिए कोशिश की जाती है। दूसरा यहाँ पर एक और फैक्टर है फ्रांस। ऑलराइट, तो इस रीजन में भी काफी सारी पावर्स एक साथ एक्टिव हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी रूल बेस्ड चले सभी ऑर्डर, तो ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह इंडो पैसिफिक में हम लोग रूल बेस की बात करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी करते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड आउटकम। थर्ड, हमें अपना आपस में बायलेटरल ट्रेड जो है उसको डबल करना है बाय 2030। ठीक है, जो कि अभी सिर्फ 1.32 बिलियन यूरो से बहुत कम है, अपने पोटेंशियल से बहुत ज्यादा कम है। राइट, नेक्स्ट हमने कुछ एमओयू साइन करें इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनिमल रेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, बिकॉज इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो हम काफी सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको। थर्ड है स्किल माइग्रेशन, यानी कि हमारे जो स्किल लेबर फोर्स है, चाहे वो टेक्निकल हो, मेडिकल हो या कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लें, ठीक है, तो उनकी मोबिलिटी और माइग्रेशन को लेकर हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। थर्ड है कि हम लोग ने डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात की है टू बूस्ट टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इज बोथ हैव कंडेम्ड टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। ठीक है,
ये कुछ निकल के आते हैं हमारे पास जॉइंट डिक्लेरेशन में। पहला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है, सेकंड फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एंड मेडिटेरेनियन सी को सपोर्ट किया दोनों ने, थर्ड हमें डबल करना है अपना बायलैटरल ट्रेड, फोर्थ एमओयू ऑन एग्रीकल्चर एनिमल रेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यू शुड रिमेंबर टू स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ओके, ये स्पेशली आपको याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने स्किल्ड लेबर फोर्स की माइग्रेशन की बात की है, तो नेक्स्ट हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड उसके अलावा टेररिज्म को कंडेम किया है। तो ये सेवन आउटकम्स निकल के रहे हैं जॉइंट स्टेटमेंट से। अब देख लेते हैं कि हमारे इनके साथ ट्रेड रिलेशन किस तरह के हैं। तो ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 1.32 बिलियन यूरोज का ट्रेड है, ओके। हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं ग्रीस से, या ग्रीस जो हमें एक्सपोर्ट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट है कॉटन, मार्बल एंड ग्रेनाइट जो हम उनसे लेते हैं। और हम उनको क्या भेज रहे हैं, हम भेजते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्पेशली जेट फ्यूल, उसके अलावा ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो बिग एक्सपोर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ओके। बड़ी बड़ी कार की कंपनीज हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है इन्होंने अपनी, राइट। तो अब ऑटोमोबाइल के बाद ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हब बन सकें। ऑटोमोबाइल हम लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसके अलावा काफी सारे स्टील आइटम्स वगैरह, लेकिन ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बाद भी ट्रेड का बहुत कम है। तो आप यहाँ पे इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में ट्रेड पोटेंशियल अभी बहुत है, तो हमें इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड बायलेटरल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एमओयू साइन किया था ऑन डिफेंस कॉपरेशन इन 1998 आफ्टर इंडिया टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि तभी वर्ल्ड ने हमको सीरियसली सीरियस लेना शुरू किया था कि नाउ इंडिया इज ए नॉट ए पावर दैट कैन बी इग्नोर्ड एनी मोर, ओके। दूसरा हम लोग एक ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज होती है जो इसराइल में हुई थी 21 में, उसमें हमारी एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये इसको छोड़ दीजिए, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सारी चीजें आप याद रख भी नहीं सकते, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए एंड ये याद रख लीजिए, काफी है। वैसे बहुत 0.11% की पॉसिबिलिटी है कि आपको इंडो ग्रेस रिलेशन रिलेटेड कुछ पूछा जाए, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी आपको अगले दो जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, स्पेशली आर्मेनिया एंड अजरबैजान, तब समझ में आ जाएगा। नाउ इट होल्ड्स ए लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है ग्रीस विद ए पैरियस पोर्ट इन एजियन सी, ठीक है, ये सर्व कर सकता है एज ए गेटवे टू यूरोप। अब देखिए मैप में आते हैं फिर से, ठीक है, ये ग्रीस है, यहाँ पर इसका एक पोर्ट है, ठीक है। अगर हम लोग अपना, अब ये यहाँ से आपको पता है ये स्विस कैनाल से होते हुए हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा गेटवे सर्व कर सकता है यहाँ पे फर्दर यूरोप के पूरे मार्केट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कि इट दैट इट कैन सर्व एज ए गेटवे, ऑलराइट, रिमेंबर नेम ऑफ दिस पोर्ट, पैरिस पोर्ट, ओके। नेक्स्ट, अब जब भी आपको लगे किसी कंट्री के साथ कि इस कंट्री के साथ तो कोई चैलेंजेस है ही नहीं इंडिया के, ठीक है, आराम से हमारे ट्रेड रिलेशन वर्क कर सकते हैं, तो जहां पर आपकी आत्मा कहे कि कोई चैलेंज नहीं है, वहां पे समझ जाना कि चाइना है, ठीक है, चाइना फैक्टर हमेशा आएगा हर जगह, ऑलराइट। तो वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है मेडिटेरेनियन रीजन में। नेक्स्ट इज इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विथ ग्रीस एंड आर्मेनिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है आर्मेनिया और अजरबैजान की, जो कि अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा, ठीक है। टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ट इन मेडिटेरेनियन रीजन बाय ट्राइलेटरल अलायंस, रिमेंबर दिस, ट्राइलेटरल अलायंस ऑफ अजरबैजान, पाकिस्तान एंड टर्की। अब ये ट्राइलेटरल अलायंस क्यों इंडिया के लिए एक थ्रेट की तरह काम करता है, पहले नाम याद रख लीजिए, अजरबैजान पाकिस्तान और टर्की के बीच का एक इनफॉर्मल अलायंस है, ठीक है। इसको अगर इंडिया को टैकल करना है, क्योंकि देखिए टर्की क्या करता है कि ये हमेशा इंडिया को परेशान करने के लिए, अभी इसने एक बार मैटर रेज भी कर दिया था कि हम चाहते हैं कश्मीर का परमानेंट सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो ये चीज इंडिया को पसंद नहीं आई थी कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है, तो इसमें टर्की को नहीं बोलना चाहिए। और टर्की ने हमेशा 100% सपोर्ट पाकिस्तान को किया है कश्मीर के मैटर पे, ठीक है। तो फिर इसी को, इस मैटर को ही काउंटर करने के लिए इंडिया कहता है कि फिर ठीक है साइप्रस की भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आप कश्मीर की बात करें तो हम साइप्रस की करेंगे, और साइप्रस का इश्यू क्या है वो भी आपको अगले 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इस ट्राइलेटरल अलायंस को याद रखिए, ठीक है, हमें भी अपने इस अलायंस को काउंटर करने के लिए ग्रीस और आर्मेनिया के साथ एक पार्टनरशिप की जरूरत है, ऑलराइट, अभी आगे समझेंगे। तो इंडिया नो लॉन्गर रिलाइज सोलली ऑन इट्स ट्रेडिशनल अलायंस लाइक रशिया एंड ईरान, एंड इंस्टेड सीकिंग न्यू अलायंसेज दैट शेयर इट्स इंटरेस्ट सच एज ग्रीस आर्मेनिया टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन मेडिटेरेनियन रीजन। ऑलराइट, ग्रीस कैन ऑफर इट सपोर्ट फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव
टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पैसिफिक ओशन। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इसमें ग्रीस का क्या रोल है? ग्रीस हैज शोन सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन कश्मीर इशू। अब क्यों कर रहा है सोचो, क्योंकि ग्रीस और टर्की की चलती है आपस में लड़ाई। ओके, इनके रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं, जबकि दोनों नाटो के मेंबर हैं, फिर भी ये लोग ऑलमोस्ट वॉर तक पहुंच गए थे दोनों। अभी अर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई हुई उसमें दोनों ने अलग अलग को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो क्योंकि टर्की फुल फ्लेज्ड सपोर्ट करता है पाकिस्तान और कश्मीर इशू पे, स्पेशली पाकिस्तान को, ठीक है, और अजरबैजान को, तो उसी तरह इंडिया का भी स्टैंड जो कश्मीर पर है उसको सपोर्ट करता है ग्रीस। और यूएन में आपको एक एक कंट्री के वोट की जरूरत पड़ती है जब भी इस तरह के मैटर रेज होते हैं, ठीक है। तो पहला तो कि ग्रीस का स्टैंड कश्मीर इशू पर इंडिया के फेवर में है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इंडिया ग्रीस शेयर कॉमन अप्रोच ऑन मैनी इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग यूएन रिफॉर्म एंड साइप्रस इशू। साइप्रस इशू अभी आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। उसके अलावा यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, इस पे भी हमारा कॉमन स्टैंड है। तो ये बात हो गई जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की। दूसरा, ट्रेड एंड डिफेंस डील की बात करते हैं। ग्रीस इज इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए ग्रीस इस वक्त थोड़ा बुरे हाल से गुजरा, इसी वक्त नहीं बल्कि 2013 से ही ऑलमोस्ट $10 बिलियन का पैकेज भी दिया था हमने इसको, ठीक है। तो ये ग्रीस का ऑलमोस्ट दिवालिया हो गया था उस टाइम, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, अपनी यहाँ की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, पीएसयूज वगैरह, उनको कर रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए अब ये चाहता है वर्ल्ड ओवर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट ये अट्रैक्ट कर रहा है। और इस वक्त जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक न्यूज भी आई है कि ग्रीस में एक पोर्ट के ऑपरेशन का राइट अडानी ग्रुप को मिला है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले आई है तो मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, कल के न्यूज़पेपर में हमें पता चल जाएगा अगर ऐसी कोई डील फाइनल हुई है तो। और एक तो इंडियन इन्वेस्टमेंट चाहिए ग्रीस को, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ग्रीस क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है, तो ये असिस्ट कर सकता है हमें इन नेगोशिएटिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, जो हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, इसकी टर्की के साथ जिस तरह की लड़ाइयां चलती रहती है, तो ये अपने मिलिट्री आर्सेनल को अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए इसको काफी सारे वेपन्स प्रोक्योर करने, और इंडिया के दो वेपन काफी डिमांड में हैं। एक है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा है हमारा तेजस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल राइट, और सिर्फ ये ग्रीस अकेला नहीं है जिसको इसमें इंटरेस्ट है, इसके अलावा वियतनाम, फिलीपींस, इन सब ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से परचेज करनी है, ठीक है। और हमने भी अपना टारगेट रखा हुआ है। ओके, ऑल राइट, कुछ आई थिंक सम $1 बिलियन और समथिंग, ऐसे ही कुछ एक्सपोर्ट टारगेट है हमारा, ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट का। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं चैलेंजेस। तो ज्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं है, थोड़े से ही हैं, बट है तो। इंडियाज ग्रोइंग टाइज विद ग्रीस आर अनसेटलिंग फॉर टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान। इनका जो ट्रिपल अलायंस है उसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। इनके लिए एक प्रॉब्लम बनता है। दीज थ्री कंट्रीज हैव बीन वर्किंग टूगेदर टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री केपेबिलिटीज एंड काउंटर इंडियाज इन्फ्लुएंस इन मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो हमें भी इस मेडिटेरेनियन रीजन में पार्टनर्स चाहिए। एक अच्छा पार्टनर हमारे पास फ्रांस है जो इसी रीजन का पार्ट है, ठीक है। ग्रीस इज मेंबर ऑफ नाटो एंड आर्मेनिया इज ए ट्रेडिशनल अलाई ऑफ रशिया। रशिया और आर्मेनिया के बीच CSTO ट्रीटी हुई थी, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CSTO, और ग्रीस है नाटो का मेंबर। बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद दीज कंट्रीज, इंडिया सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द इनफॉर्मल ट्रायड लेड बाय टर्की। ऑलराइट, फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप में तो हमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बहुत कम है हमारा, तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में इंडिया ग्रीस जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल रिलेशन मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड इन ए वे दैट इंडिया बिकम्स ए मेजर पोल ऑफ इमर्जिंग न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर यूनाइटिंग थ्री मेजर सीज, दैट इज मेडिटेरेनियन, रेड सी एंड गल्फ एंड थ्री कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया ग्रीस इकोनॉमिक रिलेशन मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज ओवर यूरेशिया। एंड थर्ड इज मिलिट्री रिलेशन, काफी सारा मिलिट्री कॉपरेशन का स्कोप है, जैसे कि ज्वाइंट एक्सरसाइज हम इनके साथ करते हैं, टेक्नोलॉजी में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में। ऑलराइट, तो ये बात हुई ग्रीस की। देखिए इसमें कभी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हर इशू को समझना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं साइप्रस का क्या इशू है। तो देखिए साइप्रस में पहले तो आप मैप को ध्यान से देखिए, वैसे ये पूरा आइलैंड जो साइप्रस है ये एक ही कंट्री है, यूएन की नजर में तो ये एक ही कंट्री है एटलीस्ट।
सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं ना नॉर्दर्न साइप्रस, इसको रेकग्नाइज करता है अकेला टर्की। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री ने इसको रेकग्निशन दे रखा है, टर्की ने। पाकिस्तान भी हल्का फुल्का मानता है इसको कि अलग कंट्री, बट फॉर्मली डिप्लोमेटिकली उसने कभी ऐसा कोई स्टेटस नहीं दिया है इस रीजन को, ठीक है। तो माना ये पूरा साइप्रस ही जाता है, एक ही कंट्री, बट ये टर्की ने इसको दे रखा है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, ठीक है। ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं, दिस इज यूएन बफर जोन, राइट। और ये दो बेस एरिया है यूके के अंडर में। तो अगर आप इसको भी काउंट कर ले तो आप कह सकते हो कि ये रीजन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक टर्किश के कंट्रोल में, ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहीं ना कहीं ग्रीस के इन्फ्लुएंस में, और तीसरा ये दो छोटे छोटे रीजन यूके के बेस हैं। ओके, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखा है, मैं आपको इसको लिख देता हूं, थेकेलिया एंड दिस इज अक्रोतिनी, राइट। ये यूके के अंडर में है। तो चलिए इसका समझते हैं कि इसका इश्यू है क्या एग्जैक्टली। आपको पता है नाटो में 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इन 30 मेंबर्स में से टर्की और ग्रीस भी एक मेंबर हैं, और दोनों ने 1952 में ही नाटो को ज्वाइन किया था। ऑलराइट, नाउ यू नो कि ये पूरा जो मेडिटेरेनियन रीजन है के अराउंड की कंट्रीज हैं आज, ये सब एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से लेकर 19 तक, और इसमें टर्की हार जाता है, दिस सिक मैन ऑफ यूरोप, ओके, और ये आइलैंड आ जाता है यूके के कंट्रोल में। फिर लोग यहाँ के काफी प्रोटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टर्किश का जब रूल था तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे ये लोग, एक तरफ थे ग्रीस साइप्रियोट्स, दूसरी तरफ थे टर्किश साइप्रियोट्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये थे मुस्लिम्स, ऑलराइट, और ये वाले थे क्रिश्चियंस, राइट। तो इंग्लैंड ने क्या किया, 1960 में जब इनको इंडिपेंडेंस दी तो इन्होंने वही हरकत की जो इंडिया पाकिस्तान में की थी, ठीक है। एक तरह का डिवीजन क्रिएट कर गए थे लोगों में, राइट। और इन्होंने कर दिया था एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप लोग आपस में पावर शेयरिंग करके एक कंट्री बन के रह सकते हैं, बट ये एग्रीमेंट अल्टीमेटली टूट गया 60s के बाद। आते आते 74 में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल कर रहे थे, तो ग्रीस ने यहाँ की जो मिलिट्री जनता थी मिलिट्री से कूप करवा दिया, और वो प्रेसिडेंट चले गए नॉर्दर्न साइड, ओके। और सदर्न टेरिटरी जो ऑलमोस्ट 2/3 है आज का, ये सदर्न टेरिटरी आ गई यहाँ पे ग्रीक के सपोर्ट किए हुए मिलिट्री के अंडर में, दिस 2/3 रीजन, राइट। और ये नॉर्दर्न वाला ऑलमोस्ट 1/3 रीजन, यहाँ पर टर्की ने भी अपनी फोर्सेस भेज दी थी, और यहाँ पर एक अलग ही रूल चलने लगा, ठीक है। तो वर्ल्ड तो रिकग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ टर्की रिकग्नाइज करता है इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी इसके लिए तैनात रहती है। तो जब जब अभी टर्की चाहता है कि ये जो रीजन है 1/3 वाला, ये एक अलग कंट्री बन जाए ताकि यहाँ पे टर्की का इन्फ्लुएंस रहे, और जबकि बाकी ग्रीस और दूसरी वर्ल्ड चाहती है कि ये जो पूरा आइलैंड है ये एक सिंगल कंट्री बन के रहे, ठीक है। तो जब जब टर्की कश्मीर मुद्दे की बात करता है तो इंडिया कहता है चलिए फिर साइप्रस पे बात करते हैं पहले, ठीक है। तो ये अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने टर्की को वॉर्न किया था कि अगर आप यूएन में कश्मीर का मैटर रेस करेंगे तो फिर हम लोग साइप्रस का मैटर भी रेस करेंगे। तो ये आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब आते हैं इस इशू पर। देखिए यहां पर आर्मेनिया की बॉर्डर शेयर होती है टर्की से, ओके। इधर अजरबैजान से शेयर होती है बॉर्डर रशिया की, क्लियर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो टर्की है ये सपोर्ट करता है अजरबैजान को, क्योंकि ऑफ कोर्स अजरबैजान इज ए मुस्लिम कंट्री, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा। आर्मेनिया है क्रिश्चियन पॉपुलेशन, राइट, और इसको सपोर्ट करता है रशिया, क्लियर। अब क्योंकि यहां से टर्की अगर इनको सपोर्ट कर भी दे अजरबैजान को, तो बीच में तो आ रहा है यहाँ पे आर्मेनिया की बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये कुछ इनकी टेरिटरी बहुत गलत तरीके से डिवाइडेड थी। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं बीच में, दिस वन इन ब्राउन कलर, ये है वो टेरिटरी जो आती तो है अजरबैजान में, बट यहाँ पे रहने वाले अधिकतर लोग हैं आर्मेनियन। वो चाहते हैं कि हमें आर्मेनिया का पार्ट बनाया जाए, ऑलराइट। और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं दिस रीजन, ये है नगोर्नो काराबख्श रीजन, जहां पे पूरी की पूरी फाइट शुरू हुई थी, ऑलराइट। तो अगर आपको ये समझ में आइए तो अब आपको ये इशू समझ में आ जाएगा। आर्मेनिया में रहती है 97% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अजरबैजान में 94%। 82 से 92 तक इनके बीच वॉर चली। 94 में रशिया ने, आफ्टर ब्रेकअप ऑफ सोवियत, रशिया ने इनका सीज फायर करवाया, ठीक है। लेकिन अब रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अजरबैजान में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए थे कि
ये जो रीजन है, ये वाला पूरा, ये ब्राउन कलर का, ये रीजन वापस ले लिया जाए आर्मेनिया से, क्योंकि दिस इज हेल्ड बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट। राइट, दिस ब्राउन रीजन इज हेल्ड बाय आर्मेनियन सेपरेटिस्ट, लेकिन टेरिटरी है अजरबैजान की, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन है आर्मेनियन की, और उन्हीं के सेपरेटिस्ट लोग इसको रूल करते हैं। तो अजरबैजान में इस तरह के डिमोन्स्ट्रेशन क्रिएट हुए कि चलिए आप ये टेरिटरी वापस लीजिए। तो आर्मेनिया कहता है कि अजरबैजान को ब्लेम करता है कि इसने पीस डिस्टर्ब किया, अजरबैजान इनको आर्मेनिया को ब्लेम करता है कि इसने यहाँ के लोगों को उकसाया लड़ाई के लिए, ठीक है। तो ये इशू चल रहा है अभी। अब रशिया की इसमें मजबूरी क्या बन जाती है कि आर्मेनिया है उसके साथ ट्रीटी पार्टनर अंडर दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रशिया को अल्टीमेटली आर्मेनिया की हेल्प के लिए आना पड़ता है यहां से, ऑल द वे। ऑलराइट, वो इसको मिलिट्री वेपन्स भी सप्लाई करता है, इसको हर तरह का सपोर्ट देता है, और टर्की सपोर्ट कर देता है अजरबैजान को। पर सच्चाई ये कि रशिया दोनों को आर्म्स देता है, क्योंकि दोनों ही सोवियत का पार्ट हुआ करते एकदम। अब बात करें रशिया और टर्की की बात आपस की, तो इन दोनों के बीच ऑलरेडी काफी डिपेंडेंसी है। जैसे रशिया से टर्की ने S-400 मिसाइल खरीदी है, आपको पता होगा। दिस इज एन आयरनी कि टर्की पार्ट है नाटो का और S-400 मिसाइल खरीद रहा है वो रशिया से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये कैस्पियन सी रीजन, यहाँ यहाँ ये बहुत गैस रिच रीजन है, और रशिया को यहाँ से जितनी भी गैस वगैरह सप्लाई करनी होती है वो यहीं से पूरी पाइपलाइन या तो इधर जॉर्जिया से होती जाती है या फिर इधर टर्की से होती जाती है, ठीक है। तो और टर्की खुद रशिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है इसके ऑयल और गैस के लिए, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कल आपको बताया था बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा एंड देन डार्डेनल स्ट्रेट, कि डार्डेनल स्ट्रेट ये पूरी तरह से टर्की कंट्रोल में है, और टर्की को यूएन के थ्रू ये अथॉरिटी दी गई है कि इन पीसफुल टाइम है, तब तक ठीक है, अगर वॉर टाइप का टाइम आता है तो वो इस डार्डेनल स्ट्रेट को चोक कर सकता है, वो इसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो रशिया के लिए एक जो पूरी आउटलेट है सी में, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको, ये देखिए यहाँ ब्लैक सी है, ठीक है, ये पूरा ऑलमोस्ट रशिया के डोमिनेंस में रहता है। अगर यहां से ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर ये है सी ऑफ मरमरा, और फिर ये डार्डेनल स्ट्रेट, अगर ये डार्डेनल स्ट्रेट टर्की, और आपको पता है ये टर्की सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये एशिया में भी आता है, और इसका ये कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा ये आपका यूरोप में भी आता है, और ये पूरा बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्ट्रेट, ये यहां से पूरा, ये सब टर्की के कंट्रोल में है। तो ये रशिया के लिए पूरी आउटलेट है, यहां से मेडिटेरियन सी, या यहां से स्विस कैनाल से होते हुए इंडियन ओशन की तरफ, ठीक है, या मेडिटेरियन सी से होते हुए अटलांटिक की तरफ, ये पूरी आउटलेट है। इसलिए टर्की के अगेंस्ट एक हद से ज्यादा नहीं जा सकता रशिया। ऑलराइट, तो ये तीनों इशू मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, इंडिया ग्रीस की रिलेशनशिप, साइप्रस का क्या इशू था, और अजरबैजान आर्मेनिया का क्या कन्फ्लिक्ट था। क्लियर, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग।